परिवार का एक दरख्त जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, इसको दालचीनी समझ करके ही हमने लगाया हुआ है। और दालचीनी का जो एक भाई हमारे शिवालिक में हमारे जम्मू के पहाड़ों में मिलता है, उसको हम कहते हैं तेज पत्ता। और एक और वृक्ष जो है जम्मू में पुंछ हाउस में लगा हुआ है, पुंछ का जो राजा था उसने बड़ा लगवाया, उसको कहते हैं कपूर वृक्ष। तो ये सारी इनकी सभी की जाति एक ही है, चाहे दालचीनी हो, चाहे तेजपत्ता हो, चाहे कपूर वृक्ष हो, इन सभी की जो जाति है वो दालचीनी जाति मानी जाती है। और बॉटनी में उसको कहते हैं सिनामोमम। तो पहचान क्या है सिनामोमम जाति की? पहचान है पत्ते को लेके आपने थोड़ा खुशबू लेनी है, इसमें खुशबू होती है, अरोमा होती है। लेकिन वो वाली अरोमा कई बार आपको इसके जो बार्क है छाल उसमें भी होती है, तो इसके पूरे जो बॉडी में एरोमा होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एरोमेटिक ट्री। तो एरोमेटिक ट्री का एक तो पहचान मैंने खुशबू बताई आपको, इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं तो खुशबू रहती है। और दूसरा एक और जो जितने भी दालचीनी के भाई हैं, भाई बंधु, उन सभी की जो पहचान है एक पत्ते में तीन नाड़ियां होना। अगर आप देखोगे तो एक मेन मिडरिब है और दो ही लेटरल है, तो एक दो तीन, तो इन तीनों का जो है और उसके साथ साथ खुशबू होना, ये हमें लारेसी जो फैमिली है दालचीनी फैमिली उस परिवार में ले जाता है। तो सिनामोमम जेलेनिका में है असल जो दालचीनी है, जो श्रीलंका में और दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। लेकिन जो हमारा हिमालय क्षेत्र है जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पे तेज पत्ता होता है सिनामोमम टमाला, और उसके पत्ते हम अक्सर देखते हैं शादी विवाह में, कहीं बिरयानी और पुलाव बनता है तो उसमें भी उसके पत्ते डाले होते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इन पौधों के, और चूंकि ये अरोमा खुशबूदार पौधे हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं और खाने में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे पेड़ अगर ये ट्रिपल एम में हम खड़े हैं यहाँ पे ये लग रहा है, तो जम्मू के किसी भी हर्बल गार्डन में या बोटानिकल गार्डन में या फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस के आगे पीछे ये प्लांट लग सकता है। और इसको लेने के लिए आप जम्मू की कोई भी अच्छी सी नर्सरी जो है, प्राइवेट नर्सरीज, उसमें आप जा सकते हैं और ये पौधा आपको वहाँ से उपलब्ध हो सकता है। और चूँकि 22 मई को हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मना रहे हैं, जैव विविधता का दिवस मना रहे हैं, और जिसका थीम ही इस बार का थीम है अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड्स, अवर हेल्थ, तो हेल्थ के हवाले से भी पेड़ पौधे लगाएं और इनको खाने के हवाले से भी इनको प्रमोट करें। हर्बल फूड्स आर ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ, और इसकी जो बच्चे जो हैं हमारे उनका स्पेशली ध्यान रखें कि जंक फूड जो वो खाने के आदत उनको हो गई है उससे वो हट करके हर्बल चाय या स्नैक्स भी हम ऐसी चीज़ों के जो जंगल में जड़ी बूटी है या हमारे एरोमा मिशन के तहत जो हमारी चीज़ें उपलब्ध हैं इनको हम कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं। तो खाने के हवाले से भी, और फिर जो ग्रीनरी है कहीं ना कहीं वो हमें हवा भी, शुद्ध वायु के लिए भी जरूरी होती है हरियाली। तो ये मुझे लगता है ये संदेश जो है जो सुन रहे हैं ये दूर दूर तक पहुँचाएगा।